रीजन, ये क्या होता है, पेल्विक रीजन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेरिनियल रीजन, दैट इज हम लोग का लेबिया माइनोरा को ओपन करेंगे, यू नो लेबिया माइनोरा, वर्का वाला यूरेथ्रा कैलन में हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो पे हम देखेंगे फीमेल कैथेटराइजेशन कैसे किया जाता है, उसको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नर्सिंग के ट्यूटर रूबिया मैम। मैम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिलाइजेशन के माध्यम से फोली कैथेटर किया जाता है उसको दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आरम्भ करते हैं। कैथेटराइजेशन करने से पहले हमको क्या करना है, दो ट्रे रेडी करना है, दिस वन इज स्टेराइल ट्रे एंड दिस वन इज क्लीन ट्रे, ठीक है। स्टेराइल ट्रे, क्लीन ट्रे में क्या क्या होता है, आपका प्यूरो बैग, सर्जिकल ग्लोब्स, फॉलिस कैथेटर क्यूब, लिग्नोकेन जेली, 20 cc सिरिंज एंड बीटाडीन सोल्यूशन, नॉर्मल सेलाइन एंड द चीटेल फोर्सेप विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड माइक्रोपोट प्लास्टर, ओके। दिस इज कंटेनिंग क्लीन ट्रे एंड स्टेराइल ट्रे कंटेनिंग, ये स्टेराइल ट्रे को हम लोग ऐसे हाथ से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, हम लोग चीटेल फोर्सेप से टच करेंगे जब हमारा हाथ स्टेराइल नहीं है, ठीक है। वी विल ओपन दिस वन लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। एंड दिस ट्रे इज कंटेनिंग क्लीन स्टेराइल किडनी ट्रे, टू बोल, गॉस पीस 4-5, फिनिस्टेटिंग टावल एंड स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, दिस इज आवर आर्टिकल फॉर गिविंग कैथेटराइजेशन टू द पेशेंट, ओके। सो कैथेटराइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैथेटर, ठीक है। कैथेटराइजेशन क्या है, जब पेशेंट का यूरिन पास नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू, व्हाट इज़ द यूरेथ्रा, जो यूरिन का जो रास्ता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, एक कैथेटर, फोली कैथेटर को हम लोग डालते हैं, दिस इज़ द फोलिस कैथेटर, ठीक है, इसका नाम क्या है, फोलिस कैथेटर, उसको क्या करते हैं हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग ब्लैडर में डालते हैं, ठीक है, टू रिमूव द यूरिन, जब पेशेंट अनेबल टू पास द यूरिन, जब पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ सम इशूज, बिकॉज ऑफ सम किडनी इशूज, और क्या होता है कभी कभी बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले ये करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर कर रहे हैं, तो बिफोर द प्रोसीजर हम लोग क्या करना चाहिए, पहले हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले डॉक्टर का एडवाइस हमको देखना है, जैसे कि प्रेस्क्रिप्शन में हमको देखना है कैथेटराइजेशन डॉक्टर ने एडवाइस किया कि नहीं, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स हमको क्या करना है, हमको पेशेंट के पास जाना है, ठीक है, और पेशेंट को क्या करना है, हमको अच्छे से प्राइवेसी मेंटेन करना है पेशेंट को, ठीक है, अच्छे से प्राइवेसी देने के बाद क्या करना है, दिस इज़ द सेकेंड थिंग्स, प्राइवेसी। थर्ड थिंग क्या है, हम पेशेंट के साथ अच्छे से एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो क्या करना है, हम पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। हॉस्पिटल से कुछ भी करने से पहले, पेशेंट के साथ कुछ भी करने से पहले क्या करना पड़ता है हमको, पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये तो और क्या है, ये तो एक सेंसिटिव प्रोसीजर है ना, क्योंकि पेशेंट को आपको प्राइवेट पार्ट को लेके, फीमेल हो सकता है, मेल भी हो सकता है, प्राइवेट पार्ट लेके आप पेशेंट का कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को अच्छे से समझाना है, आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग है, अगर ये करेंगे, प्रोसीजर करेंगे तो अच्छे से आपका यूरिन निकाल के आएगा, आप अच्छा फील करोगी, आप ट्रीटमेंट अच्छे से लेके घर पे चले जा सकते हो, अच्छे से पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको देना है प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। तो थर्ड क्या करना है, फर्स्ट क्या बोला था मैंने, पेशेंट डॉक्टर एडवाइस, सेकंड क्या है, प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट, थर्ड क्या है, एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड वॉश अच्छे से करना है। हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश आर देयर अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है, ठीक है। हैंड वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू वेयर द ग्लोव्स, आपको सर्जिकल ग्लोव्स पहनना है, आपका ये क्लास हो गया मुझे लगता है, ठीक है ना, तो आपको सर्जिकल ग्लोव्स पहनना है, समवन टू असिस्ट मी, ओके, कोई रहना चाहिए, यू हैव टू असिस्ट मी। ग्लोव्स पहनने का प्रोसीजर अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, वो तो आप लोग को पता है, अंडरस्टूड।
ठीक है, हो गया। नाउ वी विल नॉट टच एनीथिंग, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मेरा असिस्टेंट क्या करेगी, मेरा इसको फोल्ड करेगी। यू टेक दिस स्पॉन्ज टिटल फोर्सेप और इसको ओपन करो। यू जस्ट ओपन दिस, ऐसा उल्टा करके पकड़ लिया, हाँ बस। नाउ दिस इज द स्टेराइल थिंग्स, नो नाउ आई कैन टच, ओके। सो दिस थिंग्स यू विल मेंटेन इन द ओटी, ओके। ओटी में ये सारा चीज़ आपको मेंटेन करना है। इसके बाद सामान विल कम एंड गिव द पेशेंट, कौन सा पोजिशन देते हैं, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजिशन। तो ये पोजिशन हम पेशेंट को देना है। आप लोग आओ यहाँ पे, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजिशन दे दो पेशेंट को, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजिशन है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक कौन सा पोजीशन है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो उसमें क्या होता है, हम लोग का पेल्विक रीजन, ये क्या होता है, पेल्विक रीजन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेरिनियल रीजन, दैट इज प्राइवेट एरिया ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इस जगह को हमको क्लीन करना है, ठीक है। तो हम लोग बेटाडीन सॉल्यूशन, मेरा सिस्टम है, ये टच नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी, बिकॉज माई हैंड इज स्टेराइल, मेरा हैंड स्टेराइल है, इसीलिए मैं टच नहीं करूँगी। मेरा जो असिस्टेंट होगा, तुम ये खोलो और खोल के इसको डालो, बेटाडीन सॉल्यूशन इसमें डालो, डाल। अभी हमको क्या करना है, बिटाडीन सॉल्यूशन से दिस इज द गॉस पीस, गॉस पैड, ठीक है। तो दो भी बोल सकते हैं, गॉस पैड जब होता है उसके अंदर कॉटन स्वाब होता है उसको बोलते हैं गॉस पैड, ठीक है ना। और गॉस पीस को अच्छे से फोल्ड करके हम लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं गॉस पीस, ठीक है। उसको हम लोग अच्छे से डीप करेंगे, कहाँ पे, बिटाडीन सॉल्यूशन में, ठीक है। बिटाडीन सॉल्यूशन क्या होता है, बिटाडीन सॉल्यूशन और थोड़ा सा डालो, बिटाडीन सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है। उससे क्या होता है, हम लोग अच्छे से क्लीन करने से वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाता है। ये क्या होता है, ये फेनिस्टेटिंग टावल होता है, ठीक है। उसको क्या करने के लिए देते हैं, जैसे कि साइड का जो इन्फेक्शन वगैरह वो ना फैले, इसके लिए हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटाडीन सॉल्यूशन में अच्छे से गॉस पीस को हम लोग डीप करेंगे, करके क्या करेंगे, देखो पेरिनियल एरिया को हमको क्लीन करना है। दिस इज़ द पेरिनियल एरिया, दिस इज़ द मोस्ट इन्फेक्शियस प्लेस, जहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया का कुछ कमी नहीं है, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे क्लीन करना है, यू हैव टू क्लीन विथ वन स्ट्रोक, बस हो गया। दिस वी विल थ्रो समवेयर एंड देन वी विल टेक वन मोर गॉस पीस, और एक गॉस पीस अच्छे से लेंगे, फिर से अच्छे से हम लोग गॉस पीस को बिटाडीन सॉल्यूशन में डीप करेंगे, एंड देन हम लोग का लेबिया माइनोरा को ओपन करेंगे। यू नो लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा को हम लोग ऐसे ओपन करेंगे, करके हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है, विथ वन स्ट्रोक। उसके बाद हम लोग विल थ्रो इट ऑफ, एंड देन और एक लेंगे हम लोग, फिर डीप करेंगे, फिर हमको यूरेथ्रा से लेके हम लोग एनास तक क्लीन करेंगे, ठीक है, एंड देन विल थ्रो इट ऑफ। आपको अगर लगे कि तीन बार साफ करना है, तीन गॉस पीस यूज़ कर सकते हैं। अगर पांच बार साफ करना है, पांच बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना बार यूज़ करना है, ठीक है, कितना बार क्लीन करना है। देन अभी क्लीन हो गया, उसके बाद हम लोग लिग्नोकेन जेली खोलो, ये लिग्नोकेन जेली, ये क्या होता है, ये एक लुब्रिकेंट होता है। उससे क्या होता है, जगह को हम लोग कैथेटर ट्यूब में वो लिग्नोकेन जेली लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसमें थोड़ा सा पेन भी कम होता है, प्रेशर उसमें थोड़ा सा स्लाइट एनास्थेशिया इफेक्ट भी होता है, और क्या होता है, ये लुब्रिकेंट होता है, जैसे कि कैथेटर फोलिस कैथेटर अच्छे से अंदर में जाता है, ठीक है। ये खोलो, फोलिस कैथेटर को लेंगे, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि ये नया है ना, तो कोई टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे अच्छे से, अप्लाई करने के बाद ये लुब्रिकेंट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। व्हिच वन इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, ऊपर का वाला और नीचे का वाला, देर आर टू होल्स, ठीक है। वन होता है बर्थ कैनल, वजाइनल कैनल एक होता है, और एक क्या होता है, यूरेथ्रन कैनल। तो कौन सा यूरेथ्रन कैनल होगा, ऊपर का वाला, ठीक है। ऊपर का वाला यूरेथ्रन कैनल में हम लोग धीरे धीरे
अंदर डालेंगे और पेशेंट को क्या बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे आप अच्छे से सांस लो, कुछ टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अब इससे आप ठीक हो जाओगे। अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको कितना इंसर्ट करना है, अगर फीमेल पेशेंट है आपको इंसर्ट करना है 2.5 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मेल पेशेंट है तो आपको कितना इंसर्ट करना है, 15 सेंटीमीटर to 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मेल यूरेथ्रा लंबा होता है और फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, ठीक है। हम लोग इंसर्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, विल टेक ए किडनी ट्रे हेयर, ठीक है, उसके बाद ये दे दो, ये खुलो, हाँ, ये क्या होता है, 20 cc सीरीज में हम क्या लेंगे, NS, दिस इज़ द नॉर्मल सलाइन, NS को ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ऑलरेडी लोड किया हुआ है, उसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो लूप है ना ग्रीन कलर वाला लूप में, धीरे धीरे हम क्या कर देंगे, पुश करेंगे, ठीक है, 20 ml NS हम लोग अच्छे से पुश कर देंगे। पुश करने के बाद देखना थोड़ा थोड़ा यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आने से इधर ही गिरेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूरो बैग को इसके साथ कनेक्ट करेंगे हेयर, ठीक है, ये लूप में हम लोग अच्छे से कनेक्ट करेंगे, देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज ऑफ यूरिन फ्रॉम दिस साइड, ओके, अच्छे से लीकेज को नहीं होने के लिए अच्छे से करेंगे, एंड देन फेनेस्टेटिंग टॉवल को हम लोग ले लेंगे, समझो कि ब्लाडर यहाँ पे है तो उसके नीचे हम लोग उसको फिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर देंगे, लगा दो, हाँ ठीक है, लगा दो अच्छे से, लगा दिया, ठीक है, अभी पोजीशन दे दो पेशेंट को, माइक्रोपोर को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, लगाओ, काटो, ठीक है, इसके बाद वी विल रिमूव द ग्लोव्स, विल थ्रो इट इन टू द पार्टिकुलर डस्टबिन, ओके, एंड पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, ठीक है, और सामान को अच्छे से जगह में रख देंगे, वी विल टेक द आर्टिकल्स इन टू देयर प्लेस, एंड हम लोग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करेंगे, रिकॉर्ड्स में क्या लिखेंगे, पेशेंट को यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया है हम लोगों ने, और इतना टाइम में 3:30 नो, तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग टाइम लिखेंगे, और हम लोग आउटपुट लिखेंगे, यूरिनरी पेशेंट पास द यूरिन 100 ml, यूरिन आउटपुट इज 100 ml एट 3:30 PM, ठीक है, उसके बाद हम लोग हैंड वॉश करके पेशेंट का स्किन पिन हटा के अच्छे से पोजीशन दे देंगे और सामान को जगह जगह में रख देंगे, ठीक है, ये होता है हम लोग का कैथेटराइजेशन प्रोसीजर, फीमेल कैथेटराइजेशन प्रोसीजर, ठीक है। सो आज का टॉपिक इतना तक ही है, तो हम लोग जब हॉस्पिटल में ऐसा कैथेटराइजेशन करेंगे तो अच्छे से स्टेराइल मेंटेन करके करेंगे, जैसे कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आज का टॉपिक इतना तक है, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब।